सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जो चैप्टर नंबर 6 है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस, हाजिर होने के लिए विवश करने की जो आदेशिकाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय तक कैसे पहुँचाया जाए। तो पहली आपकी प्रक्रिया यहीं से चालू हो जाती है। तो चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं जो हैं ये आपके 61 से लेकर के 90 तक आपकी चलती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता क्या होती है दोस्तों? दंड प्रक्रिया संहिता हमने पूरा डिटेल में किया है कि 25 जनवरी 1974 को एनफोर्समेंट डेट है दोस्तों, और एनेक्टमेंट है, एनेक्टमेंट जो है आपका इसको है, और एनफोर्स कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974 को हुआ था। 37 चैप्टर्स है और 484 यहाँ पर सेक्शंस आपके हैं दोस्तों। दो शेड्यूल आपको दिए हुए हैं इसमें, और इसके अलावा दो शेड्यूल्स आपको दिए हुए हैं, होल ऑफ इंडिया में लागू होता है, बस कहाँ पर लागू नहीं होता है, जो भी ट्राइबल एरियाज है उस पर लागू नहीं होता है, स्टेट ऑफ नागालैंड पर लागू नहीं होता है। ये हमने पढ़ लिया था। एक तो लागू होने की जो बात है सेक्शन नंबर 1 में आपको दी हुई है कि ये लागू कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये लागू होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो चैप्टर नंबर आपके कौन से हैं, 8, 10 और 11 है, वो तो सभी जगह आपके लागू होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्ट नंबर 2 है 1974 का, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले दोस्तों, देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हमने कर लिया है, जो कि 6 से लेकर के 25 ए तक आपका चलता है। कोर्ट की पावर हमने पढ़ ली है, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस की हमने पावर पढ़ ली है, मजिस्ट्रेट की मदद करना, मजिस्ट्रेट को सहायता करना, पुलिस को सहायता करना, ये हमने कर लिया है। इसके अलावा अरेस्ट ऑफ पर्सन हमने कर लिया है दोस्तों। आज हम करेंगे प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस की हम बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 6 है कि व्यक्ति को हाजिर होना पड़ेगा, 61 से 90 तक आपके प्रोविजन दिए हुए हैं। जितने मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाती जा रही हूँ तो उनके आपको सेक्शंस पता होना चाहिए। तो आज चैप्टर नंबर 6 का हम पूरा डिटेल से क्या करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं। अब दोस्तों, जिनकी हिंदी और इंग्लिश, लगता है लॉ तो हमारा सही है लेकिन हिंदी और इंग्लिश जो है वो हमारी क्या सही नहीं है, तो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको ये मिलेगी। 30 में से 30 अंक पक्के करने हैं तो ये आप ले सकते हैं। बाकी हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है इस पर आप कॉल करके पूछेंगे तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। चैप्टर नंबर जो 6 है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस की बात करता है, हाजिर होने को विवश करने के लिए जो आदेशिकाएँ हैं ये आपकी 61 से 90 चलती है। और ये जो चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों, इसके चार पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो किसकी बात करता है? समन की बात करता है, जो 61 से लेकर के 69 तक आपका चलता है। दूसरी बात करता है वारंट ऑफ अरेस्ट की बात करता है, गिरफ्तारी के वारंट की बात करता है, ठीक है। इसके अलावा जो सी आपका बात करता है वो प्रोक्लेमेशन की बात करता है। इसके अलावा अटैचमेंट की बात करता है। 82 से 86 तक ये प्रोविज़न आपका चलता है, और लास्ट आपके अदर रूल्स चलते हैं, ये आपके 87 से 90 तक आपके दिए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको पूरा रिवाइज करिए दोस्तों। तो
देखिए दोस्तों, चार पार्ट इसके हो गए हैं। इन चारों को पूरा डिटेल के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपका 61 से 69 तक चलता है कि समन का जो प्रारूप होता है वो क्या होता है। तो समन क्या होता है दोस्तों? इन राइटिंग होता है। सबसे पहली बात तो ये जो समन है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो इशू कौन करेगा दोस्तों? तो इशू बाय कोर्ट होगा, इशू बाय कोर्ट होगा। समन किसके द्वारा दिया जाता है? कोर्ट के द्वारा। एक बुलावा होता है ये समन, जो कि कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात ये है, ये राइटिंग में होता है। राइटिंग में होना जरूरी है। इसके अलावा डुप्लीकेट में होता है, डुप्लीकेट होना जरूरी है। किस में रहता है समन? इन डुप्लीकेट की बात करता है। और यहाँ पर जो साइन होंगे वो किसके होंगे? प्रेजाइडिंग ऑफिसर के होंगे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के होंगे जो इस समन को इशू कर रहा है। तो 61 में कोई सबसेक्शन नहीं है। हर जो भी समन है इस न्यायालय के द्वारा इस संहिता के तहत जो भी जारी किया गया, प्रत्येक समन क्या होगा दोस्तों? लिखित में होगा, दो प्रतियों में होगा, और साथ में जो पीठासीन अधिकारी है जो इसे जारी कर रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे और उसकी सील लगा दी जाएगी। साइन और सील मुद्रित भी होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके 61 कहता है। 62, तामील कैसे की जाए? तामील कैसे की जाए? समन हाउ सर्व, समन हाउ सर्व। तो तामील कैसे की जाए दोस्तों? तो ये आपके इसमें तीन सबसेक्शन दे रखे हैं। किसके? तीन सबसेक्शन दे रखे हैं कि ये जो समन की तामील है ये कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी कर सकता है, ठीक है। अब जो समन की तामील है वो पर्सनली भी क्या की जा सकती है? की जा सकती है। दूसरे में ये है कि तामील जो है व्यक्तिगत तौर पे किया जा सकता है। अब व्यक्तिगत रूप से कैसे किया जाएगा दोस्तों? या तो उसको क्या कर देंगे, या तो उसको डिलीवरी कर देंगे, है ना, डिलीवर कर देंगे, या फिर उसमें से जो एक डुप्लीकेट जो कॉपी होती है एक चिपका करके आ जाएंगे। तो वहाँ पर आपका यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि एक डुप्लीकेट कॉपी उसको दे करके आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से देने की बात हो रही है। और तीसरा सबसेक्शन क्या रहता है कि जैसे ही समन की तामील होगी, जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उसके साइन होने चाहिए, इसके साइन होने चाहिए जिस व्यक्ति को समन दे रहे हैं, ठीक है। जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उसके पीछे उस व्यक्ति के साइन होंगे, ठीक है। इसके बैक हैंड में क्या होगा? साइन किया जाएगा। तो ये तीन सबसेक्शन, तामील कैसे की जाए, तो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो किसके द्वारा किया जाएगा तामील? पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो तामील है वो पर्सनली भी किया जा सकता है, पर्सनली भी की जा सकती है। नहीं तो एक डुप्लीकेट कॉपी पर, एक डुप्लीकेट कॉपी वहाँ चिपका दी, अगर वो पर्सन नहीं मिलता है तो वो सारी बातें आपकी लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसा समन किसको दिया जा रहा है? कोई कॉर्पोरेट बॉडीज़ को दिया जा रहा है, निगमित निकायों को या सोसाइटी पर समन की जो तामील होती है तो वो दोस्तों किसको होगी? तो ध्यान देना, ये जो तामील है वो किसको की जाएगी? तो किसको की जाएगी? यहाँ पे नाम आपको पता होना चाहिए, सेक्रेटरी यानी कि जो सचिव होता है, सचिव, ठीक है। इसके अलावा लोकल जो मैनेजर है उसको की जाएगी, या फिर अदर जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, जहाँ पर जो मेंटेन करने का जो काम है वो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको की जाएगी, उस कॉरपोरेशन को, या फिर जो चीफ ऑफिसर है उसको की जाएगी, उस कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर को की जाएगी। तो किन किन को तामील की जाएगी इसकी बात यहाँ पर आप की कर रहे हैं, किसमें? 63 में। और यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है,
किस चीज़ का, कि कॉरपोरेशन क्या होता है, कॉरपोरेशन क्या होता है, तो ये आपको बताया हुआ है कि जो भी सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, वे सभी आपके कॉरपोरेट कहलाते हैं। तो जो भी इनकॉर्पोरेटेड और कॉरपोरेटेड है और जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है इनके अंतर्गत, वो आपकी निगम समझी जाएगी दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान से समझना है और करना है। इसके साथ में आपको रीड विथ जो करना है 350 जो CRPC है वो रीड विथ करना है। आगे देखिए, जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके, वो नहीं है, तब तामीली कैसे होगी दोस्तों? तो सर्विस एंड पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, तब तामील कैसी होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है। इसमें आपका दोस्तों कोई सबसेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो तामील होगी वो अगर पर्सन नहीं है तो अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, हिज फैमिली, जो वयस्क पुरुष है, वयस्क जो पुरुष है फैमिली में, उसको मिलेगी। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि यहाँ पर इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो सर्वेंट है वो फैमिली नहीं है दोस्तों, फैमिली नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। तो अडल्ट जो मेल मेंबर को समन की तामीली दी जाएगी, वो साइन करके दे देगा कि वो ये समझा जाएगा कि समन की तामील हो चुकी है। तो 64 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है कि वयस्क जो पुरुष है वो आपका क्या कहलाता है? वयस्क जो पुरुष मेंबर हो गया उस फैमिली का, वयस्क पुरुष जो सदस्य है उस परिवार का, उसके साइन हो गए तो वो तामीली समझी जाएगी। आगे देखिए, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जाए तब प्रक्रिया क्या होगी? तो जब सर्विस जो है कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, तो 65 आपका क्या कहता है दोस्तों? तो 65 ये कहता है कि अगर 60, तो तामीली हम किस किस से पढ़ रहे हैं कि जो ये बिफोर प्रोवाइडेड है, इसका मतलब है अंडर सेक्शन 62, 63, 64। अगर इन पैंतरों को आपने अपना लिया है, उसके बाद जो समन की तामील नहीं की जा सके तो प्रक्रिया क्या होगी? तो देखो दोस्तों, जो सर्विंग ऑफिसर है ना, जो तामील करने वाला व्यक्ति है, वो क्या कर देगा? चिपका देगा एक कॉपी को, अफिक्स कर देगा, यानी चिपका देगा। किसको चिपका देगा? एक समन की कॉपी, समन की कॉपी को चिपका देगा, ठीक है, जो दृश्यमान जो चीज़ें हैं वहाँ पर कि दिखता हुआ रहे, ठीक है। और जो किस पर? हाउस पर, आप लिख दीजिए भाई, हाउस पे चिपका देगा जहाँ पर ये दिख जाए, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही इंक्वायरी करेगा कोर्ट, इंक्वायरी करने के बाद में ये सारी चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं। इन सारी चीज़ों में नहीं आ रहा कि भाई पहले वो मेंबर नहीं मिला, मेंबर नहीं मिलने के बाद वयस्क जो मेंबर है वो भी नहीं मिला, तब तामीली कैसे की जाएगी? तो वो समन की जो कॉपी है उसके घर के बाहर लगा दी जाएगी और कोर्ट इसकी फिर इंक्वायरी करेगा कि तामीली की गई है या नहीं की गई है। फिर बाद में जो कोर्ट है वो डिक्लेयर कर देगा कि जो समन है वो क्या हो चुका है, समन जो है उसकी तामीली हो चुकी है, समन की तामील हो चुकी है। और जो ऑर्डर है, ऑर्डर फ्रेश सर्विस ये दे रहा है, यानी कि नया जो समन है वो फिर जारी कर देगा, ठीक है। तो ये आपका किस में दिया हुआ है दोस्तों? 65 में दिया हुआ है, जैसा कि वो उचित समझे फिर वो नया समन जारी कर देगा। ये सारे उपबंधों का आ गया। अब देखो, सरकारी सेवक पर जो तामील होता है वो कैसे होता है दोस्तों? सरकारी सेवक की हम बात कर रहे हैं, तो सरकारी सेवक पर बहुत ही अच्छा तरीका है कि जो डुप्लीकेट होती है समन की जो डुप्लीकेट कॉपी होती है ना, वो किसको दी जाती है? हेड ऑफ ऑफिस को दी जाती है, ठीक है। और दूसरे में क्या दिया हुआ है? ये पहले में दिया हुआ है दोस्तों, दूसरे सबसेक्शन में साइन कर देंगे कि वो एक क्या बन जाएगा, साइन करते कि एविडेंस बन जाएगा कि ड्यूली सर्व क्या हो चुका है, समन की तामील हो गई है,
समन की तामील हो गई है दोस्तों। तो हेड ऑफ ऑफिस में सिग्नेचर कर देगा, उसका एंडोर्समेंट कर देगा, ठीक है। तो और जो सिग्नेचर है वो एविडेंस होगा किसका, ड्यू सर्विस का। इतनी सी बात आपको की गई है। तो कहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि सरकारी सेवक पर जो तामीली होगी तो वो किसको दी जाती है, तो हेड ऑफ द ऑफिस को दी जाती है, ठीक है। आगे देखिए कि स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील कैसे होती है दोस्तों। तो 67 आपका क्या कहता है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो देखिए देखिए, तो पहले में आपको दिया हुआ है कि जो तामील है वो लोकल लिमिट्स में की जाएगी। तो जो इसका जो टाइटल कह रहा है सेम आपका वही कह रहा है, इसके अलावा कहीं भी नहीं कह रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि जो समन है उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है वो क्या कर दी जाएगी, मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जो उसके लीगल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जो उसके लीगल ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, उसके एरिया में आ रहा है, ये इतनी सी बात कह रहा है। ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी ही उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत क्या होगा, तब तामील का सबूत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि जहाँ पर तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिया हुआ है जो एफिडेविट है ना, एफिडेविट जो है ऊपर कोट किया जाएगा बिफोर मजिस्ट्रेट, बिफोर मजिस्ट्रेट। आप पढ़ते भी जाइए उस लाइन को 68 में जो लिखा हुआ है कि जब न्यायालय के द्वारा जारी किए गए समन की तामील उस स्थान समन की साक्ष्य द्वारा, है ना, साक्षी के द्वारा की बात कर रहा है, स्थानीय सीमाओं के बीच में बात कर रहा है। तो देखिए जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जो जारी किया गया जो तामील है स्थानीय अधिकारिता से बाहर है तो मामूली तौर पर दोनों जो प्रतियाँ हैं वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा, ये आपका आ गया। अब 68 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दो सबसेक्शन आपके दिए हुए हैं, दो सबसेक्शन आपके दिए हुए हैं कि जब न्यायालय क्या है, जो भी समन की तामील की है और उस मामले में वो जो ऑफिसर है जिस अधिकारी ने समन की तामील की थी उस समय वो उपस्थित नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा शपथ पत्र क्या किया जाएगा, प्रत्यार्पित किया जाएगा। और उसके जिस और जो दूसरी प्रति है, दूसरी जो प्रति है वो उसको परिदत्त की जाए कि देखो ऐसी ऐसी ये समन है, ये हमने इसकी तामील करा दी है और ये साक्ष्य के रूप में क्या हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा। और जो इसमें बोल रहा है आपका जो एफिडेविट है उसको भी उस डुप्लीकेट कॉपी के साथ में लगाएंगे, उसको भी एक डुप्लीकेट कॉपी के साथ में लगाएंगे। तो वो ऑफिसर उपस्थित नहीं है तो एक एफिडेविट जो है वो न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे और उसको डुप्लीकेट कॉपी के साथ में अटैच कर देंगे और ये एज अ एविडेंस प्रूफ हो जाएगा कि समन की तामील की गई है, ठीक है। अब आपका देखिए 69, साक्षी पर डाक द्वारा समन की जो तामील है, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट की बात कर रहा है दोस्तों। तो बाय पोस्ट की अगर ये बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो समन की तामील है वो बाय पोस्ट हो सकता है और इसके एडिशनल में कोर्ट जो है वो जो समन की जो तामील होती है ना, समन जो सर्व होता है वो बाय पोस्ट हो सकता है, विटनेस बाय पोस्ट, समन किस पे, विटनेस पर, विटनेस पर क्या कर सकते हैं, बाय पोस्ट दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो समन सर्व किया गया है, समन जो होगा ये रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा दिया जाएगा, रजिस्टर्ड जो पोस्ट जाती है ना कि ये न्यायालय है आपको बुला रहा है आपको जाना है, और किस किस प्लेस पर होगा दोस्तों, तो यहाँ जहाँ तो वहाँ क्या कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, जहाँ पर वो खुद रिसाइड करता हो और जहाँ पर ही वो पर्सनली वर्क करता हो वहाँ पर इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। ये बात आपको सभी को समझ में आ गई, ठीक है। और जब ये जो पोस्टल जो एम्प्लॉयज़ वगैरह की बात हो जाती है, इसमें सेकंड सबसेक्शन भी दिया है कि जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई ऐसी भी कोई तात्यार्थिक जो अधिस्वीकृति होती है, डाक जो कर्मचारी है
उनके अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट को लेने से इनकार कर दिया है या उसको प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय घोषित कर देगा कि तामील जो है समन की वो सम्यक तौर पर हो गई है। तो देखिए मना कर दिया भाई, मैं तो नीलू समन, तो बचेगा कहाँ, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये आपका पूरा 61 से 69 कर दिया है। अब देखिए दोस्तों RJ3 के लिए लॉ प्लस लैंग्वेज के लिए 100 टेस्ट सीरीज हम करवाने वाले हैं, जिसमें करवाने जा रहे हैं, जिसमें 100 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो इसके लिए ऐप में आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए और भी आपको इसके साथ में जो भी बेनिफिट होगा उसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर लीजिए कि हाँ सर हमने ये ले लिए है, अब हमें आगे क्या करना है। उसके बाद में अब देखिए जो सेकंड पार्ट है वारंट ऑफ अरेस्ट की बात करता है और वारंट ऑफ अरेस्ट में क्या बोल रहा है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आते भी हैं कि जो फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट है और उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। तो ये 70 से 81 तक इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो 70 किसकी बात करता है दोस्तों, तो जो 70 है वो बात करता है कि जो वारंट होगा तो ये समन की जैसी हो गया एक तरह से कि वारंट होगा वो राइटिंग में होगा, वारंट होगा वो क्या होगा लिखित रूप में होगा और यहाँ पर भी साइन होंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे। ये पहला है। दूसरा सबसेक्शन क्या कहता है दोस्तों कि ये जो वारंट है ना ये तब तक एनफोर्स में रहेगा जब तक कि न्यायालय इसे कैंसिल ना कर दे या फिर एग्जीक्यूट ना कर। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ड्यूरेशन क्या होगी, तो ये दो ड्यूरेशन आपकी बता दिए, जब तक वो कैंसिल नहीं होगा तब तक वो क्या कहलाएगा आपका वारंट, तब तक प्रवर्तन में रहेगा या फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक प्रवर्तन में रहेगा। अब प्रतिभूति लिए जाने पर निर्देश देने की जो शक्ति है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, तो देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका जो 70 का जो पावर है तो कोर्ट क्या कर सकता है दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शन दे सकता है एंडोर्समेंट के लिए वारंट पर, ठीक है। और जो ऑफिसर है जिसे डायरेक्ट किया गया है वो ऑफिसर क्या कर सकेगा सिक्योरिटी ले लेगा और रिलीज कर देगा उस पर्सन को, ठीक है। वारंट आया उसकी सिक्योरिटी लिए और उसको रिलीज कर देगा। ये तो आपके 71 का 1 में दिया हुआ है। 71 के 2 में क्या दिया हुआ है दोस्तों कि जो एंडोर्समेंट है 71 के 2 में दिया हुआ है कि ये जो एंडोर्समेंट है जो प्रस्थांकन जिसे कहते हैं प्रस्थांकन कहते हैं दोस्तों इसको ये आपका इसमें क्या क्या होगा, नंबर ऑफ श्योरिटीज़ कितने हैं कितने अमाउंट का है और जो टाइम होता है ये सभी आपका इसमें बताया जाता है। 71 की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, किसकी बात कर रही हूँ, 71 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 71 का हो गया। अब उसके बाद में जब भी सिक्योरिटी ली जाएगी ना तो तीसरे में ये है कि कोर्ट को भेज दिया जाएगा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर हो गया दोस्तों तो ये पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है। तो ये जो बॉन्ड है और क्या फॉरवर्ड करेंगे, बॉन्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि हमने इससे बंद पत्र लिखवा दिया है। अब जो वारंट है उसको निर्दिष्ट किसको होता है दोस्तों, तो किसको हो जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन होगा किसको निर्दिष्ट होगा, तो आप डायरेक्टली लिख दो वन और मोर पुलिस ऑफिसर को हो सकता है, पुलिस अधिकारियों को हो सकता है, ठीक है। एक से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को किया जा सकता है जो वारंट है, ठीक है। उसके बाद में
उसके बाद में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से आप लोगों को सुनना है और जो समझना है। और अगर इमीडिएटली क्या चाहिए, अगर आपको जल्दी से एग्जीक्यूशन कराना है तो किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है और वही उसको क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। और सेकंड में दे रखा है कि एक से ज़्यादा पर्सन के द्वारा भी एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। 73 की आप बात कर लो दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। 73 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो CGM है, जो CGM है CGM और जो JM फर्स्ट है वो डायरेक्शन दे सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं यदि कोई ऐसा व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति क्या है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है उसको, या फिर अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे को क्या कर सकते हैं, ये CGM और JM फर्स्ट डायरेक्शन दे सकते हैं। किस किस के लिए, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अगर कोई अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ठीक है। 73 का जो वन ये है यही कहता है। उसके बाद में दूसरा ये कहता है कि जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो रिटर्न में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई तो थम्सअप कीजिए सभी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ गया आपको तीसरे में क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि यदि वे व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जो वारंट है निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले वो कर देगा। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, तो वो जो व्यक्ति है वो निकटतम जो नियरेस्ट जो पुलिस अधिकारी है उसको दे दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, तो 74 को भी आपको ध्यान से रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जिस भी पुलिस अधिकारी को दे दिया जाता है निष्पादन करने के लिए तो उसमें वारंट का नाम होता है, अधिकारी द्वारा उसे प्रस्तांकित किया जाता है, एंडोर्समेंट किया जाता है, यानी कि उसका नाम होता है। इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सार की सूचना देना, सार की सूचना देना। तो देखिए दोस्तों 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 75 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वारंट का सार देना, वारंट का सार देने की बात हो रही है दोस्तों। तो ये जो सब्सटेंस है उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में अविलंब लाया जाना। तो पहले में तो बोल रहा है अननेसेसरी डिले की बात कह रहा है, और जो दूसरे में कह रहा है दोस्तों वो जो 57 आप पढ़ के आए हो, सेक्शन नंबर 57 और ये सेक्शन नंबर 56, इन दोनों की बात कर रहा है कि जिसके भी खिलाफ वारंट इशू हुआ है तो उसको जल्दी से लेकर के आओ। और यहाँ पर जो प्रोवाइजो है वो 57 की बात करता है कि 24 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने लाने के लिए, 24 आवर्स में उसको पेश कर देना है निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, आगे देखिए वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, ये आपका आता है तो एनी प्लेस इन इंडिया में कहीं पर भी जो है वारंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए अगर भेजा जाता है तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर किसको देना होगा, EM को या DSP को या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कमिश्नर को ठीक है, उनको भेजा जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और वो क्या करेंगे एग्जीक्यूट कराने के लिए, दूसरे EM को DSP को और वहाँ के कमिश्नर को भेजा जाएगा। तो एक इनसे दूसरे को भेजा जाएगा आउटसाइड है, तो इतनी सी बात है, यहाँ पे तो कोई इतनी खास बात है नहीं। ठीक है, और ये जो फॉरवर्ड होता है इसका जो सब्सटेंस है वो साथ में चला जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, जो आपका अधिकारिता के बाहर जो वारंट है पुलिस अधिकारी से निर्दिष्ट वारंट की बात कर रहा है 79 में, तो दोस्तों यहाँ पर लिखिए कि इसका जो एंडोर्समेंट है या तो EM कर सकेगा या फिर कोई पुलिस ऑफिसर कर सकेगा जो जो
नॉट बिलो रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रहने वाला है, उससे ऊपर का ही होगा, उनको डायरेक्शन दी जाएगी। तो पहला तो आपका सबसेक्शन ये दिया हुआ है, फिर वो एंडोर्स करेंगे, दूसरे में आपका एंडोर्समेंट की बात की जा रही है। अगला देखिए, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए क्या प्रक्रिया होगी दोस्तों, तो यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति आपने क्या किया है, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट अगर आपने उसे पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे रेडिएशन पूछा जाता है कि वारंट जो है वो 30 किलोमीटर के भीतर का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसको, जो नियरेस्ट है उनको भेजा जाना चाहिए, नियरर देन जो EM होता है या DSP होता है या कमिश्नरेट होता है, उसको जाना चाहिए, उनको सूचना होनी चाहिए, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, APO के लिए टेस्ट सीरीज है दोस्तों। 81 में आपका मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए, एक बार आप ये लिखिए।
दोस्तों हम बात करते हैं 81 की उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। तो प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड ब्रॉड, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 81 आपका। तो 81 आप सभी लोग निकालिए, बेरेक्ट अपने साथ में रखिए, बेरेक्ट के बिना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कि जो EM है या DSP है या फिर कमिश्नर है ठीक है, कमिश्नर है, अगर इन तीनों को क्या बोलेगा कि कस्टडी में भेजने का निर्देश दे सकेगा, कस्टडी में भेजने का निर्देश दे सकेगा दोस्तों। अब यहाँ पर प्रोवाइजो दिया हुआ है कि अगर ऑफेंस क्या हो जाता है, बेलेबल है, जमानती अपराध है, बेलेबल है, जमानती अपराध है, तो उसको क्या बोल देंगे भाई, उसको बोल देंगे भाई ठीक है कि अगर तेरे को चाहिए, क्या चाहिए, बेल चाहिए, तो बेल लेने के लिए तैयार रहे। उसके बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोवाइजो आपका दिया हुआ है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो जो CGM होता है और जो सेशन जज होता है, जो CGM और हमने किसकी बात करी, सेशन जज की बात करी, जो सेशन जज है वो क्या करेगा दोस्तों, वो क्या करेगा अकॉर्डिंग टू देखेगा 437 के जो प्रोविज़न है वो लागू करते हुए किसको बेल पर छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। तो अभी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर दिया गया है ठीक है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि पुलिस अधिकारी को धारा 71 में जो बॉन्ड भरवा करके उसको छोड़ने की बात थी तो वहाँ पर रोकने वाली नहीं समझी जाएगी उसको ठीक है। तो नथिंग इन दिस सेक्शन डीम टू प्रिवेंट पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी ठीक है, टेकिंग सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये आपके 81 आ गया। 82 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनने के चांसेस है, पूछ लेता है कि प्रोक्लेमेशन आपका कहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों केवल एक ही सेक्शन जो प्रोक्लेमेशन की बात करता है, 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की बात की जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एब्सकॉन्डेड कर रहा है या अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहा है तो कोर्ट क्या कर सकता है, जितनी भी प्रोसेसेस लागू कर ली लेकिन वो व्यक्ति सामने नहीं आ रहा तो कोर्ट क्या करेगा दोस्तों, तो कोर्ट जो है वो क्या कर देगा, पब्लिश कर देगा एक प्रोक्लेमेशन जो है क्या कर देगा आपका, पब्लिश कर देगा। और कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 30 दिनों, कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों के लिए। तो यह आपका पूछा जा सकता है कि जो रिटर्न प्रोक्लेमेशन है और ये मिनिमम टाइम दे रखा है दोस्तों, मिनिमम टाइम आपका दिया हुआ है 30 डेज, यानी कि मिनिमम है कि भाई 30 दिनों के अंदर अंदर प्रोक्लेमेशन जैसे घोषित हो गया तो उसको बोलेगा कि भाई तू आ जा, अभी तेरे पास समय है, अभी भी तू आ सकता है। तो फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की बात कर रहे हैं। उसके बाद में आपका जो तू आपका दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है दोस्तों कि जो प्रोक्लेमेशन है वो पब्लिश्ड कैसे होगा, जो प्रोक्लेमेशन है वो आपका पब्लिश्ड कैसे होगा उसकी बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर वो मामूली तौर पे क्या कर सके, निवास कर रहा हो ठीक है, मामूली तौर पे निवास कर रहा हो उस बाल स्थान पे, न्याय सदन में ठीक है। ये तीन आपको यहाँ पर पॉइंट दिए हुए, A, B और C पॉइंट आपको यहाँ पर दिए हुए। तो घोषणा निम्न प्रकार से प्रकाशित की जाएगी जैसा उस व्यक्ति का पाया जाना संभव होता है कि इस जगह पर तो वो आएगा ही आएगा। तीसरा आपका क्या होता है कि जो कोर्ट है वो क्या कर देगा, जो प्रोक्लेमेशन की जो कॉपी बनाई है ना, उद्घोषणा की जो कॉपी है वो अखबार में भी क्या कर देगा, जो न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश करवा देगा कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, लापता है, उद्घोषणा कर देगा
ये फरार व्यक्ति है, किसी को मिले संदेशा तो हमको लेकर के आ जाना, ठीक है। और जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो कैसे होंगे, कंक्लूसिव रहेंगे, निश्चयात्मक रहेंगे, कंक्लूसिव एविडेंस ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि यदि ऐसा जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड किया जाता है, ठीक है, जो अंडर सबसेक्शन 1 आपका दिया हुआ है, जो ऑफेंस उसने पनिशेबल किए हैं 302, 367 हो गया, 382 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, अगर इन अपराधों से संबंधित हैं तो उसको फिर जो कोर्ट है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देगा कि ये जो है, ये जो पर्सन है, ये क्या है, प्रोक्लेम्ड क्या है, ऑफेंडर है, यानी कि भगोड़ा एक तरीके का क्या है, उद्घोषित अपराधी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये बोल रहा है आपको कि उद्घोषित कर देगा उसको, पहले समन और वारंट ये दोनों तरीके अपनाएगा, उसके बाद ही होगी, ठीक है। अब ये उद्घोषणा कर दिया लेकिन वो नकटा आए नहीं, तो फिर उसकी संपत्ति को कुर्क करो, क्योंकि आदमी क्या होता है, जर जोरू और जमीन, ये जब बिकने वाली होती है तो जल्दी से आ ही जाता है, तो रीज़न टू बिलीव है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद में वो ऑर्डर कर सकेगा कि उसकी संपत्ति को क्या कर ली जाए, जब्त कर ली जाए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जब्त भी कब करेंगे कि यदि ये जो पर्सन है क्या करने वाला है, इस संपत्ति को खा जाएगा, इस संपत्ति को खा जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, या इसकी इसका जो भाग है वो स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, इस प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, तो उसको कुर्क कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी उसके सारे रास्ते जो है बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद में इम्पॉर्टेंटली आपका यहाँ पर जो सबसेक्शन आपका जो 2 दे रखा है वो आप पढ़िए कि क्या दे रखा है दोस्तों, कि ऐसा आदेश जिले में जिसमें वह दिया गया है, वह व्यक्ति किसी भी संपत्ति की जो कुर्की है प्राधिकृत करेगा, उस जिले में उस व्यक्ति के संपत्ति की कुर्क तब प्राधिकृत करेगा जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी संपत्ति स्थित प्रस्थांकित कर दिया जाए। देखो जब जिला मजिस्ट्रेट ने कह दिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि हाँ भाई इसको आप बेच सकते हो तो भेज दो, आप बेच सकते हो तो बेच दो, तो यहाँ पर आपके बात करता है। थर्ड में आपका बोल रहा है कोई डेब्ट है, कोई भी डेट हो गया, या कोई भी ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको जब्त कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, जो आप ऑर्डर 40 होता है CPC का, ठीक है, वहाँ से क्या कर लेंगे, अपॉइंटमेंट कर दिया रिसीवर का, और फिर उसको जब्त कर ली जाएगी। आप इसको टिक मार्क कर लीजिए, और ऑर्डर रिटर्न में होगा भाई, ऑर्डर क्या होगा, रिटर्न में होगा, और बाकी एक से ज़्यादा कई तरीके, कई पैतरे अपना सकता है जो कुर्की के बारे में, जो कुर्की करेंगे उसके संबंध में ही हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो उसका अटैचमेंट कर देंगे, उसका पोजीशन ले लेंगे, उसके लिए अपॉइंटमेंट कर देंगे रिसीवर का, सेम वही सारी चीज़ें आ जाएगी। और अगर क्या होता है कि ऐसी जो प्रॉपर्टी है पेरिशेबल है, जल्दी नष्ट होने वाली है, तो क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे, जो भी अमाउंट आ रहा है उसको वो अपने पास रख लेगा, ठीक है। और जैसे वो व्यक्ति आ जाएगा तो जो बचा हुआ वो दे देगा, ठीक। तो यहाँ पर जो भी नियुक्ति की जाएगी रिसीवर के, वो CPC में जो रिसीवर अपॉइंट होता है ऑर्डर नंबर 40 के तहत, उसमें आपका उसके जो प्रावधान है इसमें लागू होंगे। तो CPC का ऑर्डर नंबर जो 40 है वो लागू होगा। अब जो भी दावे और आपत्तियों की हम बात करें, जो भी ऑब्जेक्शंस की हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि विद इन 6 मंथ में आपत्तियाँ जतानी है तो 6 महीने का टाइम, और ये पूछा जा सकता है कि क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जो होते हैं अटैचमेंट के संबंध में, तो उनकी आपत्तियाँ कब कर सकते हैं, तो 6 महीने के भीतर भीतर करना होगा, जो अटैचमेंट की जब बोल दिया है कि अटैचमेंट करना है, ठीक है। और उसके तहत क्या हो जाएगा, अगर क्लेमेंट या ऑब्जेक्ट, अगर जो मान लीजिए कि जो क्लेम कर रहा है या जो ऑब्जेक्शन दे रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर 83 के 2 में जो भी एंडोर्समेंट कर दिया, DM बोल दिया भाई इसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, कुर्क की गई है, तो वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश न्यायालय में की जा सकती है, उसकी कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट है उसके न्यायालय में की जाती है। आपत्तियाँ जतानी है तो वहाँ पर आपको जाना होगा, ठीक है। तो ये आपका
यहाँ पर बोल रहा है, और अगर ये आपको डिसअलाउड कर देगा, कोई भी दावा है इसके अधीन पूर्णतः भागते हैं नामंजूर कर दिया जाता है, तो नामंजूरी का जो बोल रहा है कि अगर उसके लिए भी एक वर्ष के भीतर भीतर उसको सिद्ध करने का कि ये जो संपत्ति है विवादाग्रस्त है उसके बारे में मामला संस्थित कर सकता है। एक साल का टाइम है सूट करने के लिए, कितना टाइम है, एक साल का टाइम है जो ऑर्डर उसने दे दिया। ऑर्डर किसने दे दिया है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया है, तो 84 में आपका यही आ जाएगा। उसके बाद में वो नहीं आ रहा तो भाई जो कुर्क की गई संपत्ति है उसको निर्मुक्त करना, उसका विक्रय करना और उसको वापस कर देना, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर उसको निर्मुक्त कैसे करेंगे, वो व्यक्ति पर जो रीजनेबल टाइम दिया था भाई 30 दिनों के भीतर भीतर आ गया, तो हम क्यों करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को अटैच, ये लो साहब हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर वो संपत्ति बेच दी गई है, जैसे मैं अपने पढ़ा भी पेरिशेबल क्या है, गुड्स है, जल्दी समाप्त होने वाली, तो जो भी अमाउंट कोर्ट को मिला है उससे वो अमाउंट उसको दे देगा, अमाउंट उसको दे देगा। इतनी सी बात आपकी यहाँ पर की गई है, इससे ज़्यादा आपका नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा है कि कुर्की के तारीख से 2 वर्ष के भीतर राज्य सरकार के व्यायाधीन है या रही है, तो कुर्क की गई थी तो न्यायालय के समक्ष जिसके अधीनस्थ स्वेच्छा लिए क्या किया गया है, हाजिर हो जाता है, पकड़ लिया जाता है, न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि ये फरार नहीं हुआ, ये छिपा नहीं है, ये ऐसा नहीं हुआ है, तो उसके जो शुद्ध आगम जो बचे हैं, तो मैंने बोला है ना जो बचा हुआ पैसा उसको वापस दे दिया जाएगा, इतनी सी बात आपकी करी है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करा, तो 85 के 3 में, 85 का 3 वो 2 साल का जो समय है उसकी तहत ये बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसकी अपील वैसे ही की जाएगी जैसे ऑर्डिनरली की जाती है, तो उसकी ऑर्डिनरली क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये कुड़ करने वाली आपकी बातें हो गई। उसके बाद में अदर रूल्स की हम बात करते हैं, 87 से 90 चलता है, तो समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो कोर्ट है, अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पर जो समन बुलाया गया और इशू कर दिया गया, ठीक है, और रीज़न रिकॉर्ड करके वारंट भी जारी कर दिया गया, वारंट भी जारी कर दिया गया, तो यदि ऐसा समन जारी होने से पहले या पूर्व किसी हाजिरी के लिए नियत समय से पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई करता है कि वह व्यक्ति फरार हो गया है, समन का पालन नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, तो यहाँ पर देखिए अभिकारणों को क्या करना है, ये बोल रहा है कि समन के स्थान पर, देखो अगर कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है ना ये भागने वाला है, ये वापस आएगा ही नहीं, तो समन के स्थान पर डायरेक्ट समन नहीं करके वारंट जारी कर सकता है, या समन के साथ साथ वारंट भी जारी कर सकता है अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो रहा है तो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर वो हाजिर होने में असफल रहता है तो फिर क्या करेंगे, भाई हाजिर होने का अवसर था, सारी चीज़ें थी, तो क्या करेंगे कि ऐसा माना जाएगा कि समय जो समन है उसकी तामील समय पर कर दी गई थी और उसके खिलाफ फिर क्या कर देंगे, वारंट इशू कर देंगे, सिंपल सी बात है आप, ठीक है। बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस की इसकी बात करता है, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयर, हाजिर लेने के लिए बंधपत्र की शक्ति आपकी 88 में दी हुई है, 89 में भंग करने पर उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है, अगर बॉन्ड जो आपसे भरवाया है कि जब जब आपको बुलाया जाए, जब जब आपको उपस्थित होना है, अगर आप उसमें क्या कर देते हैं, अगर आप उसमें क्या कर देते हैं, हाजिर होने से मना कर देते हैं, वो बंधपत्र आप क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं, तो गिरफ्तारी की जा सकती है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस अध्याय के उपबंधों को साधारणतः समन और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होगा, यानी इस चैप्टर को ही लागू होगा और कहीं इसमें लागू नहीं होगा, समन और वारंट दोनों में ही लागू होगा, बाकी कहीं भी लागू ये नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए मेन का बैच है जिसमें आंसर राइटिंग आपको करवाई जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में ऐसे राइटिंग आप लोगों को करवाई जाएगी, तो ये आपका छठा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन था दोस्तों, कि पहले भाई तुमको बुलाना है तो समन जारी करो, नहीं आ रहा तो फिर वारंट जारी करो, फिर भी नहीं आ रहा तो फिर प्रोक्लेमेशन कर दो, ठीक है, और फिर भी नहीं आ रहा तो उसकी भाई संपत्ति को अटैच कर दो, और अदर रूल्स आपके दिए हुए हैं। तो पहला ये हो गया जो आपके 61 से 69 दिया हुआ है,
दूसरा आपका 70 से लेकर के 81 दिया हुआ है, और तीसरा आपका 82 से लेकर के 86 दिया हुआ है, और अदर जो रूल है 87 से 90 दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको ध्यान में रख लेना है पूरे अच्छे तरीके से। और इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन नंबर 87 है, और ये जो समन और वारंट है ये तो है ही, ये तो है ही, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। आज है अष्टमी, तो आज आपकी क्लास नहीं होगी शाम को, ठीक है। आज अष्टमी है, आज आराम से आप दुर्गा माता के जाएं, जिस भी देवी को आप मानते हैं उसके जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि भाई हमारे 16 जून को पेपर है, तो हमें शक्ति देना कि हम बिल्कुल सटीकता के साथ में, पूरे मंथन के साथ में हम तैयारी करें, पूरे जोश के साथ में, और हमें आशीर्वाद दें माता रानी कि हमारा इस बार सिलेक्शन का हो जाए। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा हम हमारा कर्म कर रहे हैं, तो सफलता देना माता रानी। अब आपके का आशीर्वाद लेने हम आए हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी कितना याद हुआ, क्या मैंने आपको 6 चैप्टर करवा दिए हैं, तो क्या 6 चैप्टर आपको अच्छे से याद है, इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।